सो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है भरत सेठी। आप देख रहे हैं चैनल स्पोर्ट्स एंड मोर। एंड आपकी इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार आने के बाद आप लोगों ने बोला था कि यार कुछ बेस्ट टेनिस क्रिकेट बैट्स पे वीडियो बनाओ, टेनिस बैट की वीडियो बनाओ। तो मैं आज आपके लिए क्या आया हूँ कि सबसे बेहतरीन टेनिस के बैट कौन से रहेंगे। देखिए, वैसे आपने मेरी पुरानी वीडियो में तो देखा होगा कि मैं कह रहा था कि ये कश्मीर विलो डंडा हैंडल टेनिस बैट काफ़ी अच्छे रहते हैं, लेकिन थोड़ा इसको हैंडल हम इम्प्रूव करके आपके लिए लेके आएंगे। तो मैं वही लाया हूँ। ये जो आप बैट देख पा रहे होंगे, ये सारे कश्मीर विलो हाफ केन हैंडल बैट हैं, जो कि टेनिस बैट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। इन बैट को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो देखिए काफ़ी मतलब साफ़ बैट में, जितने साफ से साफ टेनिस बैट, खाली लेदर वाले कश्मीर विलो बैट इतने साफ़ नहीं होते। मैं आपके लिए टेनिस के लिए ये साफ़ बैट लेके आया हूँ। ये बहुत ही बढ़िया बैट है, इनके वेट भी काफ़ी कम है। मतलब जैसे कि मुझे भी मालूम होगा, आपको भी मालूम होगा कि लेदर बैट थोड़े बहुत हैवी हो जाते हैं कश्मीर विलो में, लेकिन टेनिस बैट में तो हमें थोड़ा लाइट वेट ही चाहिए। ब्लेड थोड़ा हमें चाहिए रहता है कि टूटे वूटे ना, ताकि क्योंकि लोग कहते हैं हमें हैवी बॉल से खेलना है, हैवी फ्लैश बॉल से खेलना है, तो उनके लिए कौन से बैट अच्छे रहेंगे, तो वो हम आपके लिए लिखे हैं। ये है कश्मीर विलो के बैट, जो कि है हाफ़ केन हैंडल में। हाफ़ केन इसलिए क्योंकि फुल केन थोड़ा महंगा हो जाता है, और डंडा हैंडल में मुझे इतना भी मज़ा नहीं आ रहा था उस बैट में। हाँ, बाकी काफ़ी सारे लोगों ने प्राइसेस के बारे में मेरे को बोला कि भाई आपने तो 15% डिस्काउंट बोला था। अरे, मैं काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए थे कि मैं आफ्टर डिस्काउंटेड रेट ही आपको सेल कर रहा हूँ। वैसे वही डंडा हैंडल 600 का था, मैंने कहा थोड़ा सा हम और मेहनत करके थोड़ा हाफ़ केन हैंडल लगा लेते हैं। तो ये जो बैट है, ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये हाफ़ केन हैंडल बैट है, और ये जो आपको हाफ़ केन हैंडल बैट है सिर्फ मिलेगा 700 रुपये में। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि 50-100 रुपये का डिस्काउंट हो जाए, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि बोलते हुए यार कि 50-100। अब मैं जो रेट बताता हूँ वो आपको फाइनल रेट ही होते हैं, उससे कम से कम नहीं हो सकता। चलिए, वो सब तो बात की बात है, मैं इस बैट के एस्थेटिक्स के बारे में बात करूँगा। तो ये बैट एस्थेटिक्स वाइज काफ़ी मतलब प्लीजिंग है। अगर आपको इसमें स्टिकर लगवाने हैं तो लग जाएंगे एडिशनल 150 रुपीज़ है कॉस्ट में। बाकी अगर मैं बैट की सफाई की बात करूँ, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सफाई करने की कोशिश की है। बैट के एस्थेटिक्स में कोई कमी नहीं है, और बैट का ब्लेड ठीक ठाक मोटा बैट है, ताकि हैवी फ्लैश बॉल्स जैसे हो गई या फिर हैवी मार्क बॉल्स हो जाती हैं, या फिर उससे कुछ लोग सिग्नेचर्स बॉल से खेलना पसंद करते हैं, तो उनके लिए भी बॉल ये बैट अच्छा रहेगा। बाकी मैं आपको एक और बेहतरीन टेनिस बैट्स में दिखाना चाहता हूँ वेराइटी, और वो है ये वाली। आप देख पा रहे होंगे इसका एज, आप देख के बोलेंगे अरे भाई ये तो बहुत मोटा एज है, ये तो बहुत भारी होगा, लेकिन नहीं, ये डिज़ाइन बैट रहते हैं, ये डिज़ाइनर बैट्स रहते हैं। बोले डिज़ाइनर बैट्स का है कि मतलब कि इसमें ना बैट का बैलेंस ख़राब ना हो, तो हल्का हल्का खांचा निकाल दिया जाता है। अब कुछ लोग मेरे यहाँ से बैट ले गए थे, और उन्होंने ना यहाँ से ऐसे कटवा दिया, ये पूरा हटा ही दिया, तो उससे क्या होता है बैट बहुत कमज़ोर हो जाता है। मैंने कहा भाई साहब आपके लिए मैं बैट बनवा लूँगा, लेकिन आप ऐसे बाहर से मत कटवाइएगा। तो ये जो ऐसे खांचे वाले बैट रहते हैं, इसमें बैलेंस बैट का बैलेंस भी ख़राब नहीं होता, बैट लाइट वेट भी हो जाता है, और बैट का आप थिक एज भी रख सकते हैं, और इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्विंग भी रहता है। ऑफकोर्स फोर्स ज़्यादा रहती ही है, लेकिन ये जो बैट रहते हैं ये थोड़े से एक्सपेंसिव रह जाते हैं, क्योंकि लकड़ी इनकी मोटी यूज़ होती है और लकड़ी कटती है, तो थोड़ी अच्छी और हम सुपीरियर क्वालिटी की लकड़ी इसमें लगानी पड़ती है। ये भी जो बैट है, ये भी हाफ केन हैंडल बैट है। बैट के एस्थेटिक्स बहुत अच्छे हैं, इसमें भी प्लीजिंग लग रहे हैं। कश्मीर विलो टेनिस बैट ये आपको मिल जाएगा सिर्फ 1200 रुपये में, और बहुत सारे लोग मतलब इसका नकली वर्जन बेचते हैं, यानी पॉपुलर विलो का बेचते रहते हैं, वो 500-600 में मिल जाते होंगे, लेकिन ये जो है ये जेन्युइन कश्मीर विलो बैट है, जेन्युइन कश्मीर विलो हाफ केन बैट, और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता है जिनको मतलब थोड़ा मोटा एज चाहिए और डिज़ाइन बैट चाहिए। खासकर ये जो टूर्नामेंट्स होते हैं, जो अगर आप में से कुछ मेरे व्यूअर्स टेनिस क्रिकेट मैंने मुझे व्हाट्सएप आते हैं कि भाई मैं अंडर आर्म बॉल टूर्नामेंट्स या टेनिस बॉल टूर्नामेंट्स खेलता हूँ, मेरे लिए कौन सा बैट अच्छा है, तो मैं कहूँगा ये बैट आपके लिए बहुत अच्छा है। ये बैट टेनिस वर्ल्ड कप्स में होते हैं, एक्चुअली उन्हें बहुत ज़्यादा चलते हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा बिकते भी हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहते हैं। तो एक्चुअली ये दो बैट्स जो हैं, ये दो वेराइटी जो बैट्स हैं, ये काफ़ी बढ़िया रहेंगी अगर आपको बेस्ट टेनिस क्रिकेट बैट्स में बात करनी है। जो प्राइसेस है मैंने वो आपको बता दिया है, हालांकि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हो रहे हैं कि क्या प्राइसेस हैं, कि मैंने कहा 15% डिस्काउंट, मैं आपको डिस्काउंट करके ही बताया। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे रेट्स डाल दूंगा, ताकि आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए।
अब बाकी रही बैट की वेट की बात, तो देखिए ये जो हमारे डिज़ाइनर बैट्स रहते हैं ये 1000 से 1100 ग्राम के बीच में मेजर करते हैं, एंड हमारे जो नॉन डिज़ाइनर सिंगल ब्लेड बैट्स रहते हैं ये एक्चुअली डबल ब्लेड है डिज़ाइनर बैट, डिज़ाइन बैट। और ये जो सिंगल ब्लेड का हमारा कश्मीर विलो हाफ इन हैंडल बैट है ये वेरी करता है 1080 ग्राम से आपके 1150 ग्राम तक, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है। बाकी शिपिंग ऑल ओवर इंडिया फ्री है, एंड हम जो बैट भी देते हैं वो ग्रिप चढ़ा के देंगे, टोगर चढ़ा के देंगे, एंड सारा इंग्लिश टिप चढ़ा के देंगे। स्टिकर्स आपको चाहिए तो थोड़ा सा एडिशनल कॉस्ट होगी, बाकी सब कुछ आपको कोई भी और क्वेरी रहती है मेरा नंबर और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, तो मुझे भेज दीजिएगा, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी हाँ ये मैं कहूँगा कि यार व्हाट्सएप करने के बाद कभी कभार थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है रिप्लाई करने में, तो उसका थोड़ा आप सब्र कर लीजिएगा। बाकी होपफुली आपको देख के वीडियो कुछ अच्छी लगेगी, कुछ समझ आया होगा कि कौन से टेनिस के लिए कौन से बैट्स अच्छे रहते हैं। मैंने तो जैसे आपको बता दिया, या तो आप डिज़ाइनर बैट लीजिए डबल ब्लेड का, या तो आप सिंगल ब्लेड का कश्मीर विलो बैट लीजिए। और मुझे नहीं लगता इस रेट में कोई भी आपको कश्मीर विलो बैट दे पाएगा, क्योंकि हमारी जो लकड़ी सीधा कश्मीर से ही आती है, तो हमसे चीफ तो कोई नहीं दे पाएगा आपको। चलिए थैंक यू वेरी मच, एंड होपफुली मैं आपको नई वीडियो में अगली वीडियो में मिलता हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आपको और भी कोई वीडियो चाहिए रहेगी इन बैट्स के रिगार्डिंग। ओके बाय।